नाइस यार, मुझे अच्छा लगा इस पूरे ये जो मॉल में एक समथिंग ब्राइट समथिंग डिफरेंट पिक्चर देख के जब भी निकलते हैं यहाँ पे तो कुछ खास होता नहीं है शॉपिंग करने के लिए. दिस इज़ नाइस, अच्छी चीज़ है. आई गेस जो हमारे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स है हीरो हीरोइंस वो भी फिल्म देख के जब निकलेंगे तो दे विल कम हियर एंड दे विल शॉप, तो इट्स अ गुड थिंग यार. क्लासी है, दिस इज़ फॉर सिलेक्टेड पीपल. जिनको क्लासी अच्छी चीज़ें पसंद है तो उनके लिए ये मुझे अच्छा लगा. आई फील दिस इज़ फॉर समथिंग हु लाइक्स यू नो, जिसका टेस्ट अच्छा होता है. वेरी वेरी हम्बल एंड नाइसली उन्होंने बताया कि उनका ऑनलाइन स्टोर्स भी है, ऑनलाइन भी दे आर सेलिंग एंड दिस इज द फर्स्ट स्टोर, सो आई विश हर दैट इसके बाद बहुत सारे स्टोर्स ओपन करें. डेफिनेटली डेफिनेटली, हम तो यहाँ फिल्म देखते रहते हैं तो फिल्म के बाद निकलेंगे तो यहाँ पर दिखा देंगे. थैंक यू. आपका इतना बड़ा ब्रांड पैनल पूरे इंडिया में विख्यात है, आप किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने आए? सो पूजा इज माई सिस्टर. आई वुड विश हर वेरी 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 गुड लक फॉर दिस न्यू ब्रांड दैट इज, इट लुक्स सो डायनेमिक फॉर गर्ल्स. जितनी भी लड़की हैं सबको बोलूँगा यहीं पे आके शॉपिंग करें और इस ब्रांड को सब जगह तक लेके जाए. जैसे बैरल हर शहर में जा रहे हैं वैसे डायग्राम भी हर शहर में जाना चाहिए. थैंक यू. अभी फैशन नेसेसिटी है, खाना बाद में खाते हैं लोग, पहले फैशन करते हैं. ठीक है. यस ऑफ कोर्स, मैंने पूरा कलेक्शन चेक किया है. मुझे पूरा कलेक्शन बहुत अच्छा लगा. पूजा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मुझे उम्मीद है ये डायग्राम ब्रांड बहुत आगे चल जाएगा क्योंकि मैंने खुद बाय किए हैं. काफ़ी सारे टी शर्ट्स बाय कर लिए मैंने इतनी देर में, मुझे आए हुए कुछ ही देर हुए, मैंने काफ़ी सारे टी शर्ट्स बाय कर लिए. मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कलेक्शन, इनके कलरफुल टी शर्ट्स बहुत प्यारे हैं. I like diagram name, so something very different. Any of your upcoming projects you would like to share with us? Yes. Some concept video album Punjabi. Singer ka naam nahi bataungi abhi. Baad mein bata di hun. Okay. Thank you so much. Thank you so much. बताओ, आज मुझे पता नहीं था ये हो रहा है. ये मैंने जनरली बहुत गर्मी हो रही है तो आई थॉट आई विल जस्ट वेयर समथिंग वेरी सिंपल एंड कूल एंड लकीली आई वोर समथिंग विच सूटेड. माय डिज़ाइनर ऑन, नो आई स्टाइल माय सेल्फ. देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड एलवी मिक्स व्हिच आई हैव, सो अकॉर्डिंगली आई स्टाइल माय सेल्फ. बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट डायग्राम एंड डायग्राम इज हर बेबी. She started this with a lot of the manufacturing, everything is being done by in-house, yes. The whole team. So it is very exciting to be part of something which is starting from the very basic stage, or wo from the start to the finished product is all coming through one simple source, which is very, very good. Because what is it, anything you look into, no, whenever you become or you associate yourself with any brand, what are the things you already need? सी, एक तो मुझे ना ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती है. मुझे लगता है कि अगर समवन आई एम अ सकर फॉर स्टार्टअप्स बिकॉज मैंने भी स्टार्टअप किया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी स्टार्टअप कर रहा हो एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी इन हार्ड वर्क टू इट, आई गेट अटैच टू इट. आई रियली फील दैट टैलेंट एंड क्रिएटिविटी कैन बी एडजस्टेड, कैन बी लर्न एंड कैन बी इम्प्रूव्ड. But if there's dedication and precision, then I think that becomes very nice. And the people are very important who I associate with. That's the most important thing. I have to gel with them. Okay,
how happy or proud you feel, you know, Vikas is appreciating the work I'm very happy that he is here. Very happy that he is here. And so much love and support that I get from him, it's amazing. But that is because not just your work is good, you're an amazing, amazing human being yourself. Thank you. Vikas, iske alawa Big Boss. हाँ, मैं नहीं देख रहा Big Boss. Still, मैं आपको बताना चाहूँगा. हाँ, बताइए. जो है सलमान कल जो एक आज सुबह एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था कि सलमान बायस्ड है उस बात को लेके क्या मैंने ना कल ट्वीट किया था ये क्योंकि मैंने देखा नहीं एपिसोड तो मैंने ट्वीट किया था कि इतनी ऑपोजिट प्रतिक्रिया है लोगों की या तो उन्हें बहुत अच्छा लगा या बहुत ही ख़राब लगा तो मैं पता करने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या एपिसोड्स के अंदर तो इतने आप अगर ट्वीट पे जाओगे ऐसे हज़ारों कॉमेंट्स आ रखे हैं तो मैंने पढ़ना भी डिसाइड नहीं कि मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं जाकर एपिसोड देखूंगा कि ऐसा क्या हो गया है कि सम वेरी वेरी नोन पीपल आर ऑल्सो फॉर एंड अगेंस्ट मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी को निकाल दिया होगा बिग बॉस से अनप्लान्ड सो सब लोग इतने पागल हो गए होंगे लेकिन अपेरेंटली ऐसा कुछ नहीं हुआ सम आई थिंक सलमान सर ने किसी को डांटा वाटा है तो उसकी वजह से कुछ हुआ है तो आई हैव टू स्टिल सी इट बिफोर कमिंग आपका जब सीजन था तब प्रियांक ने जो गलती की थी उनको मतलब सजा मिली थी उनकी तो आपको लगता है कि सलमान जो भी डिसीजन लेते हैं वो मतलब पूरी तरह से जो है पूरी तरह से उसका साथ रहता है उनका सी क्या होता है ना कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो डिसीजन लिया जाता है वो सलमान सर लेते हैं कलर्स चैनल लेता है एंड वो इम्पॉर्टेंट होता है कि वो लिया जाए अब कोई भी डिसीजन कभी भी लिया जाएगा वो किसी एक के लिए अच्छा होगा किसी एक के लिए अच्छा नहीं होगा तो 100% तो हर कोई खुश नहीं हो सकता ना कोई भी चीज़ से सो आई थिंक इट्स मोर टू डू विद दिस पूजा मैम आप क्या कहना चाहेंगे विकास जी ने आज जो है बहुत खुशी होती है वो आए वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत छोटी बात है लेकिन आई विल टेल यू यू नो व्हाट हैपेंस इज व्हेन पीपल स्टार्ट अप एंड व्हेन दे वर्क हार्ड एंड व्हेन दे ग्रो यू वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी बिजनेस और एनी थिंग दैट इज ग्रोइंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी बिहाइंड इट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत कम यूनिट्स हैं हमारे खुद के इस वर्ल्ड में जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अपने आप हो रही है डिज़ाइनिंग अपने आप हो रही है एंड इट्स गोइंग डायरेक्टली टू द स्टोर ऑन इट्स ओन अदरवाइज यू सी सो मेनी ऑफ द स्टफ पिकअप कर लो थाईलैंड से यहाँ पे लाओ स्टैम्प मारो और बोलो यार वी हैव डन डिज़ाइन वेरी वेल सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज़ इनटू इट सो दैट्स आई एम वेरी इंप्रेस्ड थैंक यू प्लस आल्सो एस ऑफ स्पेस को जिस तरह का रेटिंग मिला उससे कितने खुश हैं क्या एस ऑफ स्पेस ना हैज बिकम दिस वन शो जो मैंने सोचा था मैं नहीं करूँगा इस सीज़न भी किया और इस सीज़न ना काफ़ी खुशी है बिकॉज एक तो जैसे रियलिटी शोज़ नहीं होते उसमें आपको एक तरीके से चलना पड़ता है इस शो पे नहीं किया इस बार हम लोगों ने इस बार मैंने काफ़ी रूल्स तोड़े रियलिटी के ड्रामा नहीं होने दिया दूसरे तरीके के थॉट प्रोसेस हुए और इंस्टेड ऑफ अ इंटायर शो जर्नी इट वॉज़ एवरी हाउस गेस्ट की जर्नी उनका एवोल्यूशन उनको सिखाना एंड उसके बावजूद भी रेटिंग्स इतनी तोड़ फा रही दैट आई वॉज इज़ वेरी वेरी हैप्पी अभी हमारा जो दिवाली का एपिसोड था द एपिसोड दैट आई एंटर्ड इनटू द हाउस हैज रेटेड लाइक क्रेजी सो वी वर जस्ट सो सो हैप्पी अबाउट द होल थिंग इट्स गुड अभी हुई है एक डेढ़ साल से उससे पहले मुझे लगता था कि मैं इंसानों को पहचानता हूँ टैलेंट पहचानना मुझे बहुत अच्छे से आता है आई थिंक दैट्स समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम एकता बट इंसानों को पहचानना मुझे पहले नहीं आता था मुझे लगता था आता था मैंने बड़े धोखे खाए तो अब जो मैंने इस साल एस ऑफ स्पेस में सिखाया है वो यही सिखाया है जो भी गलतियाँ मेरे से हुई हैं जो मुझे नहीं मालूम था वो मैं अपने हाउस गेस्ट को सिखाऊंगा ताकि वो मेरी गलती से सीख के कुछ और खुद ना करे पंगे थैंक यू सो मच एवरी वन डायग्राम प्लीज रिमेंबर इट्स अ ब्रांड इट विल गो एंड ग्रो रियली हाई थैंक यू सो मच First of all, I would give her a huge congratulations, Pooja. She has come up with something really amazing. And अभी मैं just अंदर जाकर आई. It's really nice. Yeah, it's like completely my zone. Very young vibe and very peppy, classy. And you know, I think more towards the comfortable zone. Yes, if I'm not more wrong. Comfort, yeah. Yeah. Because I just believe that you know, fashion is something to more to do with comfort and more to do with you know how much comfortable are you in, are you with your own skin you know these days like films like Ujda Chaman and Bala they are coming up and
यू नो दे आर गिविंग द सेम मैसेज दैट जस्ट बी कम्फर्टेबल इन योर ओन स्किन. आप जैसे हो आप वैसे ही रहो. किसी के लिए भी आई थिंक डू नॉट चेंज एंड आई थिंक दिस इज द सेम मैसेज यू वुड लाइक टू गिव. या I'm going to buy a lot of stuff from you. I'm going to recommend all my friends, my celebrity friends, my stylist friends, you know, to come here and have a look. And if they like, definitely purchase. And I'm sure she's going to give us huge discounts. Yes. Okay. So Bullseye. Yeah. Anything you'd like to say about it? So I just completed a Telugu film. It's called Smart Shankar. It has crossed 100 crores right now. And one of my Malayalam film is going to come out. It's it might release in December or January. The dubbing is on, and I'm doing something for Ajay Devgan Films. It's called The Big Bull. Abhishek sir is there in the film. Abhishek Bachchan. So yeah, taking baby steps. Okay, fine. Thank you so much. Thank you. Rekha, we have already seen Sand Ki Aag, The Bullseye. Yeah. So how different? No. It's completely different. The Bullseye has a lot to do with stock market. Sand Ki Aag is, you know, more women empowerment and though old ladies, how do they go and conquer the world? It has nothing to do with women empowerment. And so sorry, come again. Are we showing the businessman who is a part of no, the no, market? No, it's completely based in the 90s, early 80s and 90s. Yeah, the film is based in 90s. So it has nothing to do with women empowerment there. Yeah, it's completely different. Aap kaha kisko kaha add kar rahe ho? Thank you, Lika. Okay, thank you. Yeah, take one again. मैं बहुत खुश हूँ. आज मेरी बेटी बहुत अच्छी. मैं बहुत खुश हूँ आज कि मेरी बेटी आज थोड़ा मैं स्टॉप हो जाऊँगी. नहीं नहीं कुछ नहीं, चल तू बोल. आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी बेटी ने अपनी बहुत इच्छा थी उसकी, आज उसकी इच्छा पूरी हो गई. God bless you. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much, guys. जी हाँ, अंदर कलेक्शंस देखें. एंड इट्स अ न्यू स्टोर, इट्स एन ऑनलाइन स्टोर एज वेल. यू हैव अ फिजिकल स्टोर एंड दिस इज पूजा हु हैज क्रिएटेड दिस. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. एंड आई एम हियर फॉर रितेश बिकॉज ही सेड समथिंग लाइक दिस इज ओपनिंग अप. सो आज मैं उनकी वजह से यहाँ पर आया हूँ. एंड द स्टफ लुक्स नाइस, इंटरेस्टिंग. टी शर्ट्स, ज़्यादातर मैं टी शर्ट्स ही पहनता हूँ. सो लेट्स सी, आई विल बी वेयरिंग सम ऑफ देयर्स मे बी लेटर इन फ्यूचर. किसे गिफ्ट करेंगे? वेल, अपने दोस्त हैं, बहुत करीबी दो दोस्त हैं. एक तो करण वी मेहरा है, सॉरी, एक करण वी मेहरा है, करण ग्रोवर है और गौरव चोपड़ा है. तो इन तीनों को भेजेंगे टी शर्ट्स. थैंक यू. यस. Well, I've always grown up seeing Bachchan saab, so I think he is a style icon in himself. But lately, I think Ayushman, he wears very good stuff, and I really like his sense of styling. So I think everybody would agree with that fact. So good job, Ayushman. जी, उनके लिए बहुत गिफ्ट्स है. थैंक यू गाइस. थैंक यू. मुंशी होल्ड ऑन मुंशी सर, गन सर यार के नाम. हां जी. हेलो एवरीबडी. हाँ, आजकल यही बोल रही हूँ. नेक्स्ट हफ्ते फिल्म रिलीज हो रही है तो
मरने भी दो यारो ही बोल दो सब जगह पे। देखो इनका जो कलेक्शन है डायग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत वेस्टर्न है, मेरे टाइप के क्लोथ्स हैं, मैं बहुत ही ऐसे कैजुअल वेस्टर्न कपड़े बहुत पहनती हूँ, और इनका जो मटेरियल है बहुत सॉफ्ट है, तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ हैवी पहना है, एकदम सॉफ्ट फीलिंग। अगर आपको टी शर्ट सॉफ्ट सॉफ्ट वाले एकदम हार्ड टी शर्ट्स पसंद नहीं है तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू, आई रियली लाइक्ड इट। बहुत कैजुअल है, बहुत अच्छे फिटिंग्स है। यार मैंने फिल्म बनाई है, मेरे पास पैसे बचे तो मैं खुद के लिए खरीदूँ, गिफ्ट करने के लिए बाद में सोचूंगी, लेकिन जिन्होंने फिल्म बनाई नहीं है, जिनके पास पैसे हैं और प्राइस भी बहुत ही एप्ट है, बहुत कम है, इतना कोई महंगा नहीं है, प्लीज़ आइए, क्योंकि इनके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसे मुझे पर्सनल फेवरेट मेरा एक ऑलिव ग्रीन का था, दिस वन ऑफ द लेटेस्ट कलर्स नाउडेज जो अभी ट्रेंडिंग है, तो प्लीज़ कम टू डायग्राम एंड सी इट, बहुत अच्छा है। ओके, कपिल शर्मा के शो में गए थे आप, सपोर्ट करने के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे एक्सपीरियंस रहा? वेलकम तो बहुत ही अच्छा किया कपिल ने और सपना ने भी। जी जी जी, मैं कपिल और सपना दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, एक सपना की तो हुई क्योंकि पहले से हूँ 13 साल से, लेकिन कपिल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कमेडियंस, और उनके शो में जाना, देखिए क्या होता है कि अगर आप अपने हस्बैंड के शो में एज अ वाइफ जाते हो तो उसका एक रीज़न ही अलग होता है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के शो में कृष्णा के शो में एज अ डायरेक्टर गई हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था और बहुत ही अच्छा लगा कि वहाँ गई थी। एंड सारी औरतें वहाँ पे जो भी देख रहे हैं इससे रिलेट करेंगी कि आप अगर अपने अपने हस्बैंड के किसी भी काम के इस पे ओहदे पे एक और एक पर्सनल कुछ अच्छा काम करके जाते हो तो उसका एक फीलिंग ही अलग होता है। मुझे मेरे जो को डायरेक्टर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया, जैसे महेश मांजरेकर हो, राम गोपाल वर्मा हो, अजीज़ मिर्ज़ा साहब हो, ऐसे लोगों से बहुत ही प्यार मिला है, क्योंकि उन्होंने मुझे लॉन्च किया, उन्होंने मुझे काम दिया, उनको देख देख कर मैंने सीखा है और उनसे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मुझे मेरी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया, उनसे भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। देयर आर पीपल दैट आर रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई फिल्म रिलीज, क्योंकि लोगों को वैसे ही पता कि थोड़ा क्रिएटिव तो मैं हूँ ही, लेकिन बहुत कम एक्टर्स डायरेक्टर्स बनते हैं, राइटर्स बनते हैं, तो माय फैकल्टी हैज़ रियली वेलकम मी विद ओपन आर्म्स एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट। मत याद दिलाओ। हाँ जी जी जी, हाँ जी, उनको मैंने थोड़ा बहुत सुपरमैन टाइप रखा है इस फिल्म में, क्योंकि मेरे लिए तो सुपर ही है, और वो टाइम प्ले करते हैं फिल्म में, तो वक्त है, तो वक्त कभी भी कैसे भी किसी भी फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि वक्त किसी भी फॉर्म में किसी पे भी आ सकता है, तो इसीलिए कृष्णा अभिषेक को मैंने एक टाइम का किरदार दिया है, और उसको हर किरदार को एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों वो वैसे आता है या आती है, तो ऐसे ज़बरदस्ती डाला नहीं है, फोर्सफुल किया नहीं है, लाइट कॉमेडी है, एंड तक आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे, और एक छोटा सा और बहुत इम्पॉर्टेंट एंटी सुइसाइड मैसेज भी है फिल्म में, तो ये हर एक माँ के लिए, एक हर बीवी के लिए, हर उस औरत के लिए जो अपने बच्चों को आगे बड़ा करके उनको एक अच्छा मैसेज देना चाहती है, हर माँ के लिए फिल्म है, एंड कहीं पर भी ये फिल्म आप पे हावी नहीं होगी कि सोशल मैसेज है, हंसते हंसते आपको छोटा सा एंड में एक थोड़ा सा पॉजिटिव मैसेज मिलेगा। लाइक फिल्म और एनीथिंग एल्स, व्हाट डू यू मीन? सी, देयर आर ऑलवेज प्लान्स विद कृष्णा, उनके साथ हमेशा प्लान्स बनते ही रहते कुछ ना कुछ करने के, पहले बच्चे के या फिल्म की, फिल्म भी तो हमारा बच्चा ही है, लेकिन 100% ये मेरी पहली और आखिरी फिल्म नहीं है, और कृष्णा मेरे और भी फिल्मों में होगा अगर वो मुझे सताएगा नहीं ज़्यादा, तो और प्रोड्यूस करेगा तो ज़बरदस्ती लेना ही पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पूछिए क्या क्या स्टार्ट करें? Yeah, it's my sister's store, and I'm very happy that she's done something very cool, which is streetwear. And we wish her luck over here. I want her to grow, and yeah, we're very excited for her.
अभी आपने आया, जैसे मैं आया आपने मेरे को इधर खड़ा करवा दिया है, तो मैं अभी अंदर जाके देखूंगा. बट आई हैव सीन आई वेयर अ स्टफ सो आई ऑलरेडी हैव मोस्ट ऑफ आवर क्लोथ्स. सो या क्या बोल रहे हो आप? हमेशा साथ में रहे, वी ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर, वी ऑलवेज हैव ईच अदर्स बैक. शी सपोर्ट्स मी, आई सपोर्ट हर. सो दैट्स व्हाट फैमिली इज ऑल अबाउट, राइट? I'm very excited for the show. Check out the show. I'm just going to go and check it out and decide. Like, I'm not trying to vote, but I'm going to recommend it to people that try it out. And yeah, the entire family here, it's a family effort with people coming out and supporting you. So I'll tell you something with Pooja. I'll tell you something with Pooja. Even her friends are family. Even strangers are family for her, because that she's that kind of a person. She's warm. She's endearing. So I'm going to butt in over there and say everyone is family for her. Okay. Thank you. Thank you, guys. I'm very happy for him. You saw the collection, how was it? Please tell us. Collection is all about casual wear and how, you know, you can be comfortable in that clothes, be fashionable in those clothes, like that. And quotes on that, it's really nice. You should actually buy these clothes. Thank you. How are you feeling right now? Because it's a grand launch of the brand Diagram. So I'm here for Diagram store launch, and really I'm feeling very, very, very good because the collection, it's amazing. It's like, you know, very today's generation, today's youth. It's the coats, and you know, they have this body suits and crop tops, because I am a person who really likes casual clothing, you know. So yeah, I really like the concept of the brand Diagram and the name also. I really wish her the best, and of course she's gonna do great, 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 amazing. Thank you. Thank you. Please tell us about the collection you are at the store. So I really like the concept what Diagram have come with, because it looks like very effortless dressing, and I am really more into casual thing. Like if I want to step out somewhere in the evening, I would not do very effort. I won't do any effort to wear, you know, something like very dressy dress. But this is something really nice concept. I really like the concept about Diagram, and it looks cool also. It doesn't outdated, and it is very new concept for me, and I feel they have come up with very good thing. Pooja is always a very nice person. I don't know her much, but I really like what she have thought about this entire thing. So I wish her all the luck, all wishes with her from me. Thank you. Very, very nice collection. I really like the collections and the colors and everything. The patterns are very nice. And everything is very, very nice. What according to his fashion? Which make you, you know, look presentable. That is fashion. You met the designer Pooja. Yes. She's very nice. Few words for her. Yeah, she designed. First of all, congratulations, Pooja, for your Diagram store. And I really like the collections and everything, and all the best in future. And I'll keep coming to your store. Thank you. Yeah.